हो गई शनाया रेडी? हाँ। क्या क्या डाला तुमने अपने बैग में? वाटर और लंच। अच्छा लंच तो वहाँ मिलेगा, तुमको स्नैक्स डालिए बस। पर जा कहाँ रही है वो तो बताओ। क्या कहाँ जा रही है तुम? हॉर्स राइड। हॉर्स राइड के लिए? वाह। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अभी यहाँ पे हॉस्टल ऑफ शुरू हो गए हैं, यानी ऑटम ब्रेक्स। और ऑटम ब्रेक्स में शनाया ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है, और उन्हीं में से एक एक्टिविटी है हॉर्स राइडिंग। तो उसी के लिए शनाया आज जा रही है। वहाँ पे शनाया हॉर्स देखेगी, हॉर्स को कैसे ग्रास खिलाते हैं, उस पर राइड कैसे करते हैं, उसकी केयर कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर बताएँगे, है ना शनाया? 100 meters, turn left. हमने एड्रेस सेट कर दी है लैंगे बग्स काटा रीड क्लब, तो वहाँ पे है हॉर्स राइडिंग का क्लब, वहीं हम जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। इन 100 मीटर्स ली शनाया, आर यू एक्साइटेड टू सी द हॉर्स? सो मच। सो मच। I know that Mr. Monster. You are Mr. Monster, don't you? Oh, यहाँ पे horse होता है। Oh, वो रहा horse। Wow. चोटी बनाई है। यहाँ पे सभी बच्चों को वेस्ट दे रहे हैं और हेलमेट दे रहे हैं। शनाया भी रेडी हो गई है। नाइस हेलमेट शनाया, तुम्हारी वेस्ट भी बड़ी अच्छी है, एकदम सेफ। ये शनाया का हॉर्स है और इसका नाम है लादी। शनाया क्या नाम है तुम्हारे हॉर्स का? लादी। हे लादी, धीरे धीरे ऐसे भी धीरे हैंड कवर। वो तो तुम्हारे पास आ रहा है। Det är ingen som ska leda Charlie. Wow. अभी ये लोग सिखाएंगे कि कैसे हम हॉर्स की केयर करते हैं, कैसे उसको ब्रशिंग करते हैं। तो शनाया अंदर गई है, वो थोड़ा सा डर रही है, बट धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाएगी। वेरी गुड शनाया, सॉफ्ट है। यहाँ पे बहुत सारे हॉर्सेस हैं और हर बच्चों को अपना अपना हॉर्स दिया है। शनाया का हॉर्स ये है और इसका नाम है लदी। और तो बड़ा सुंदर है, वाइट वाइट। फंस गई है घोड़े के साथ। और इस घोड़े ने बड़ा शोर मचाया हुआ है, ये लगता है बड़ा नोटी घोड़ा है। ये भी अच्छा है, ये शांत है। यहाँ तो इन्होंने घोड़ा ओपन भी कर दिया, अब तो बिल्कुल खुला हुआ है घोड़ा। शनाया पीछे है उसके। बहुत लंबा घोड़ा है ना, कितना ऊंचा है ये तो। घोड़े ने पोटी कर दी। शनाया ये क्या थी? Yes,
यहाँ पे इस घोड़े का सामान है। ये क्या लेके जा रही हो? ब्रश, क्लीनिंग करेगी। अब शनाया थोड़ी नॉर्मल हो गई है, पहले ज्यादा डर रही थी, अब जरा ठीक है। स्किल्ड है। शायद डर है। अब तो ये फ्रेंड बन गया है तुम्हारा। अभी धीरे धीरे कुछ हॉर्सेस को बाहर लेके आ रहे हैं। हॉर्स को बाहर लेके आएंगे, उससे पहले इसके फीट क्लीन कर रहे हैं। शनाया भी हेल्प कर रही है। शनाया का ये हॉर्स है, इसका नाम है लादी। और इसी तरह यहाँ पे और भी हॉर्सेस हैं, इसका नाम है क्यूमिन। और इधर जो था वो बड़ा शोर मचा रहा था, उसका नाम है प्रिकिन। इस तरह सभी हॉर्सेस के अलग अलग नाम हैं। वो बाहर तो हॉर्स राइडिंग भी शुरू हो गई, इसका नाम है बोरका। यहाँ इनके पास एक कैट भी है, है तो बड़ी सुंदर, इसकी पूंछ बड़ी अच्छी है। कैटी, शनाया ने तो घोड़े को उसकी फेवरेट चीज थी वही वो खिलाई, उसकी गुडीज। ये बिल्ली मजे से घूम रही है हर जगह। शनाया अकेली रह गई घोड़े के साथ। बाल बांधने उसकी चोटी कर देंगे। यूनिकॉर्न। वाओ, उसको यूनिकॉर्न बना रहे हैं। यूनिकॉर्न। वाओ, लेडी इज अ यूनिकॉर्न। Go go go. Oh. Jag var bara så rädd. ये हॉर्स राइडिंग क्लब तो बहुत ही बड़ा है, कितना बड़ा एरिया है इसका। और यहाँ पे सारे हॉर्सेस दौड़ते हैं और अंदर ये उनका बनाया हुआ है अस्तबल टाइप, इसमें बहुत सारे हॉर्सेस हैं। लाइन में सारे हॉर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। स्वीडिश में हॉर्स को बोलते हैं हेस्टन, हेस्ट। तो ये सारे बच्चे अपने अपने हॉर्स का ख्याल रख रहे हैं, उसको थोड़ा क्लीनिंग कर रहे हैं, ब्रशिंग कर रहे हैं, जैसे शनाया कर रही है। इस साइड भी है और उस साइड भी है। शनाया का हॉर्स तो इधर है। ये रूम था, एंटर करते ही यहाँ पे उनको हेलमेट्स दिए और वेस्ट दी ताकि वो सेफ रहें। और ये सब घोड़े की सारी चीज़ें, घोड़े की सीट है और उसके लगाम है। कई पेरेंट्स आए हुए हैं अपने बच्चों को लेके। आने लगा है क्या बाहर? अच्छा, अब हॉर्स की सीट देख रहे हैं कौन सी अच्छी है, वो उसके ऊपर रखेंगे तब फिर उसको बाहर लेके जाएंगे। अच्छा, उसका नेम लिखा हुआ है लादी। ठीक है शनाया, अब हम जाते हैं, तुम यहाँ पे केयर करो हॉर्स की। बाय कर दो मम्मा को। बाय बाय, हम आएंगे लेने फिर। ओके, शाम को।
हाँ वो तो ऊंचा आगे भी है, मुझे लगा यही दो हैं, पर ये तो काफी आगे तक है। हाँ बड़ी दूर तक है इनका फॉर्म बना हुआ। शनाया चली गई है हॉर्स राइडिंग करने, हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को छोड़ देना है और वो लोग अपने आप बच्चों की टेक केयर करेंगे, उनको दिखाएंगे हॉर्स कैसे चलता है, कैसे उसका ध्यान रखते हैं और कैसे उस पर राइड करते हैं। तो हम लोग फिर दिन में आएंगे लेने 2 बजे, तब तक वही लोग रखेंगे और लंच भी वही करवाएंगे। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने ये बच्चों के लिए किया हुआ है आज कैंप हॉर्स राइडिंग का, बच्चे यहीं पे लंच करेंगे, एंजॉय करेंगे। और शनाया पहले शुरू में डर रही थी, लेकिन अभी आपने देखा कितनी खुश है अब वो। 2:45 बज गए हैं, अभी हम शनाया को लेने के लिए जाएंगे, 2 बजे तक होगी उनकी हॉर्स राइडिंग। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं शनाया वहाँ पे क्या कर रही है। हम पहुंच गए हैं शनाया को लेने के लिए, ये है राइडिंग क्लब जहाँ पे सिखाते हैं, और भी लोग अब आने लग गए हैं, सब अपने बच्चे को लेंगे। वो प्रिकल वाला घोड़ा जो बड़ी टांगे मार रहा था वो उधर है बाहर, सारे घोड़े बाहर हैं, शनाया का घोड़ा भी बाहर ही लग रहा है। यहाँ पे है सारे घोड़े, शनाया वाला वाइट घोड़ा वो पीछे है और बाकी सारे घोड़े भी इधर ही घूम रहे हैं। घोड़े तो सारे इधर ही घूम रहे हैं, बच्चे कहाँ पे हैं, बच्चों को जाके देखते हैं हम। ये साइड में कुछ क्लब सा लग रहा है, रेस्टोरेंट टाइप, अंदर शायद इधर होंगे सब बच्चे। काफी बड़ा एरिया है, सारे घोड़े लगता है रेस्ट कर रहे हैं अब। ये जो वाइट वाला ये बड़ा उछल रहा था, बड़ी टांगे मार रहा था, काला घोड़ा इतना अच्छा है ये ना, ग्रास खा रहा है, इसको ग्रीन ग्रीन ग्रास चाहिए। वो लगा दौड़ने पीछे, बहुत ही बड़ा है। हाँ हाइट भी बहुत है इसकी। आ गई शनाया, क्या मिला ये? क्या क्या किया आपने? दिखाओ सर्टिफिकेट मिला, डिप्लोमा शनाया कटोच, हॉर्स राइडिंग में डिप्लोमा कर लिया। अच्छा था, बैठे भी थे हॉर्स के ऊपर? हाँ। राइडिंग की? हाँ। तुमको डर लगा? नहीं। अच्छा फिर पहले धीरे से गए। हाँ। फिर थोड़ा फास्ट गए। अच्छा। फिर बस। और क्या डर थी? फिर लंच खाए। लंच भी खिलाया? क्या खाया लंच में? पैनकेक्स। यू लाइक पैनकेक्स एंड हॉट डॉग? ओह वाओ यम्मी। शनाया को ये बैच मिला है, इसमें लिखा है राइडिंग क्लब गोटेबॉर्ग, तो ये यहाँ का राइडिंग क्लब था, और साथ में इसको एक मिला है डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। बताओ ना। क्या बोला था मम्मा ने बताओ? अभी हम आए हैं एक स्पेशल चीज लेने जिसको बोलते हैं समोसे, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो हमने बोला समोसे खाते हैं। शनाया भी हॉर्स राइडिंग करके आई है, उसको भी भूख लगी होगी, तो यहाँ हम समोसे लेने आते हैं। मैंने कुशल को कल बोला था कि समोसे खाने, कब बोला था शनाया? और आज जाके आ रहे हैं हमारे समोसे।
24 आवर्स के बाद में हो रही है डिलीवरी। बड़ी फास्ट हुई। ओह शाही स्वीट्स आ गया। चलो शनाया समोसा और ये क्या है, चाय भी है। यहाँ पे ये इनकी प्राइस लिस्ट है। यहाँ पे चाय है 24 क्रोनर की, यानी इंडिया के हिसाब से 200 रुपए की चाय। खजूर लगाया हुआ है इसको ना। ये सारी खोए की बर्फी होगी। कुछ और खाई थी।